जिला कांग्रेस कमेटी मंडला में प्रेस वार्ता कार्यक्रम संपन्न। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जिला कांग्रेस कमेटी मंडला कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश आदिवासी महिला कांग्रेस प्रभाग द्वारा आदिवासी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा व महिला उत्पीड़न पर विचार विमर्श संगोष्ठी। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की महिला कांग्रेस की महासचिव श्रीमती रागनी परस्ते ने बताया कि मंडला जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत माह प्रदेश की महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की घोषणा की। प्रदेश की बहनों को जिनकी उम्र 23 से ऊपर है, उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और उन्हें अपना आधार तथा EKYC आप लोगों को कराना होगा। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि EKYC लिंक के फेरे में अनेक महिलाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लिंक सेंटर में अधिकांश समय सर्वर डाउन रहता है। प्रेस वार्ता के दौरान महासचिव आदिवासी महिला प्रभाग कांग्रेस महाकौशल प्रांत प्रभारी रागनी परस्ते, पार्षद आशा मर्सकोले, पार्षद सुलक्षणा मर्सकोले, अनीता मिश्रा, सीमा गोठिया, अंजू पदम शारदा हरदहा, श्रीमती इंदिरा सोनवानी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहगांव अध्यक्ष इकबाल खान, गुलाम मरावी, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष अजय कुशराम, ग्राम पंचायत चंगरिया दशरूलाल मार्को सहित अन्य महिला कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। वार्ता आयोजित की गई, क्या मुद्दा था इसका? भैया, ये महिला कांग्रेस नहीं, आदिवासी महिला प्रभाग। अच्छा, ये अलग डिपार्टमेंट है। क्या है? आदिवासी महिला आदिवासी मध्य प्रदेश आदिवासी महिला प्रभाग। ठीक जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें ये कहना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम, क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण में अपना बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं, तो उन अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को एकजुट करने के लिए और जो महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं और महिला हिंसा पर लगातार बढ़ रहे हैं और महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं, उनको लेकर के एक विचार मंथन, एक संगोष्ठी है। और इस महिला ग्राम सभा में प्रत्येक ब्लॉक से और हर पंचायत से महिलाएं अपनी भागीदारी निभाएंगे। अखिल देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।